समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये है मेरा वन प्लस का 43 इंच का टीवी, और ये 43 इंच का टीवी, ये देखो ये ऐसा हो रहा है, इसमें देखो फ्लिकरिंग हो रहा है, यहाँ पे कलर शेड हो गया है, पूरा का पूरा ये टीवी खराब हो चुका है। जैसे कि अभी आपका भी टीवी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे कि ये फ्लिकरिंग हो रहा है अपना टीवी, और या तो स्पीकर में स्पीकर का कुछ इशू आ रहा है, या तो दूसरा कुछ अपने टीवी में इशू आ रहा है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपको उसके लिए क्या करना है। तो अगर आपके भी टीवी में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि आपके टीवी में वो फ्लिकरिंग का इशू, स्पीकर का इशू, या तो कुछ भी अलग इशू आपके टीवी में आ रहा है, और अपना जो टीवी है वो वारंटी में है, तो आपको उसका वारंटी कैसे क्लेम करवाना है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपको उसका वारंटी कैसे क्लेम करवाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये नंबर पे कॉल करना है, जैसे कि 1800102 8411, ये नंबर पे आपको कॉल करना है, और आपको कॉल करने के बाद उनका थोड़ा सा कस्टमर केयर, मतलब जो ऑटोमेटिक बात करते हैं, वो कॉल करेंगे। उसके बाद आपको कस्टमर से बात करने के लिए कहेंगे, तो कस्टमर के लिए बात करने के लिए जो जो नंबर रहेगा वो आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको एक कस्टमर केयर से कॉल करने के लिए आएगा, तो कॉल करने के बाद आपको कस्टमर को बता देना है कि आपने टीवी का जो प्रॉब्लम है वो आपको टीवी का प्रॉब्लम आपको बता देना है, और उसके बाद आपको कंप्लेंट रेज करना है। जैसे आप कंप्लेंट रेज करोगे तो आपको सिंपली मैसेज पे आना है, और आपको एक मैसेज आएगा, जैसे कि ये मैसेज आएगा, तो ये मेरा मैसेज है, तो आप ये मैसेज देखो, अभी ये मेरा टीवी है, टीवी के बाद आपको ये प्रोसेस आएगा, तो ये प्रोसेस आने के बाद अपने घर पे एक जो वन प्लस केयर का जो कस्टमर केयर का जो बंदा है वो अपने घर पे आएगा, टीवी चेक करेगा, अगर टीवी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है और इंटरनली कुछ इशू रहेगा तो टीवी अपना वारंटी में है, वो क्लेम करने के लिए प्रोसेस करेंगे, और आपका जो टीवी है जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व कर देंगे। इस तरह से आपको अपना वन प्लस का टीवी में आप यहाँ पे वारंटी क्लेम कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।